हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम जनरली सेफ़्टी मेजर भी यूज़ करते हैं ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचा जा सके तो हमारे पास जनरली दो तरह के एक तरह से एक्सीडेंट यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में तो सबसे पहला एक्सीडेंटल केस है आपके पास ओवरलोडिंग और दूसरा एक्सीडेंटल केस हमारे पास होता है बच्चों शॉर्ट सर्किटिंग तो ओवरलोडिंग तो, क्या होता है और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है क्योंकि हम इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम इसे नहीं बच सकते हैं तो आप अपने घर में अगर एज ए सेफ्टी मेजर जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो चाहे वो अर्थ वायर है चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है तो उसका रीज़न क्या है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं उनके पीछे यही दो रीज़न है या तो ओवरलोडिंग होता है या शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो ये ओवर क्या है और शॉर्ट सर्किटिंग क्या है इसको समझते हैं तो सबसे पहले बात आती है ओवर की तो ओवर क्या होता है बच्चों द ओवर लोड मीन्स मोर देन द डिज़ायर लोड इम्पोज ऑन दी पावर सिस्टम नेटवर्क यानी अगर आपका जो पावर सिस्टम है घर का जो पावर सिस्टम है अगर उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोड अगर पड़ जाए या आ जाए नेटवर्क पे तो उसी को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं द वोल्टेज एट द ओवरलोड बिकम डिमिनिश्ड टू अ वेरी लो वैल्यू बट इट कैन नॉट बी ज़ीरो और जब आपका सिस्टम नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है बच्चों तो यहाँ पे जो वैल्यू है वोल्टेज की वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है द करंट इन दी ओवरलोड ओवरलोडेड कंडीशन इज़ हाई बट कंसिडरेबली लोअर देन शॉर्ट सर्किट के करंट और यहाँ पे करंट जो है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बट जो करंट की वैल्यू है वो शॉर्ट सर्किट का जो करंट होता है वो उससे कम ही होती है द ओवरलोड इंक्रीज द टेम्परेचर रिगार्डिंग जूल्स विच कोज बंस एंड हैं डैमेज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ओवरलोडिंग की वजह से जो बच्चों करंट टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो जल जाते हैं ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाई कनेक्टिंग टू मैनी अप्लाइंसिस टू अ सिंगल सॉकेट अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि ओवरलोड होता कैसे है आपका सिस्टम तो बच्चों ओवरलोडिंग किस वजह से होती है जब आप एक ही टाइम पे एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस लगा देते हो या एक ही टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस जब रन करते हो जैसे आपने अपने घर के अंदर एसी भी चला दिया उसके बाद आपने यार आपके घर के अंदर जैसे चक्की है आटा पीसने के लिए वो भी आपने चला दी ए भी आपने चला दिया गीज़र भी आपने ऑन कर रखा है आपने रोड भी ऑन कर रखे है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हमारे घर में होते हैं तो एक ही टाइम पे अगर ये सारे के सारे अप्लायंसेज हम रन करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से वोल्टेज की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है बट ये ज़ीरो तो नहीं होती है और इसकी वजह से करंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हैं वो जल जाते हैं जैसा कि डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि आपका ये एक बोर्ड है एनर्जी मीटर है यहाँ पे आपने फ़ैन भी रन कर रखा है ऊपर बल्ब भी है टेलीविज़न भी आपने साथ में चला रखा है कूलर भी आपने चला दिया ऊपर से आप कंप्यूटर भी रन कर रहे हैं तो इस तरह से एक ही सॉकेट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस अप्लाई लगाने से या रन करने से आपका सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाता है और इसी को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं दूसरा केस है बच्चों शॉर्ट सर्किटिंग शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है शॉर्ट सर्किट मीन्स दैट सर्किट विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द रैंडम पाथ विच हैज लो रजिस्टेंस यानी शॉर्ट सर्किट का मतलब बच्चों छोटा सर्किट यानी एक ऐसा छोटा सा सर्किट जो करंट को एक छोटा सा रास्ता एक रैंडम पाथ प्रोवाइड करे जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम हो उसी को हम शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं द शॉर्ट सर्किट द हैवी करंट विच डैमेज द इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और जब बच्चों शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है तो सर्किट के अंदर काफ़ी हाई करंट फ्लो करता है और जिसकी वजह से जो आपका वायरिंग हो रखी होती है वो उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट बिकम थाउजेंड टाइम्स लार्जर देन द नॉर्मल करंट और जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है बच्चों घर में तो जो करंट है वो नॉर्मल करंट से थाउजेंड टाइम ज़्यादा फ्लो करता है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट डेमिनिश टू ज़ीरो एंड हाई मैग्नीट्यूड करंट फ्लो थ्रू द नेटवर्क और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और करंट आपका बहुत ज़्यादा फ्लो करता है शॉर्ट सर्किटिंग मेनली अक्कर वैन द टू वायर टचिस आइदर ईच अदर और वैन द इंसुलेशन बिटवीन द कंडक्टर वायर ब्रेक डाउन यानी बच्चों शॉर्ट सर्किटिंग जर्नली कब होती है जैसे आपने घर में जो आप बिजली की फिटिंग करवाते हैं उसमें बहुत सारी वायर इस तरह से आपकी होती है एक ही साथ बट क्योंकि उनके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है प्लास्टिक की कवरिंग होती है तो वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाती बट जर्नरली क्या होता है बच्चों कि कई बार वायरिंग पुरानी होने की वजह से या किसी भी तरह के ए, केस में जब हमने केयरफुली मान लिया फिटिंग नहीं की है या किसी भी तरह से आपका इंसुलेशन यहाँ से उखड़ गया है यानी किन्हीं भी दो वायर के ऊपर से जो आपकी न्यूट्रल वायर है या लाइव वायर है उनके ऊपर से अगर आपका इंसुलेशन हट जाए और वो दो दोनो एक दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएँ तो यहाँ पर जैसे ही वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आपका सर्किट है पूरा का पूरा नेटवर्क उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और इसी ज़्यादा करंट की वजह से बच्चों आपका जो प्लास्टिक की इंसुलेशन है सारी की सारी फिटिंग की वो इंसुलेशन आपकी खत्म हो जाएगी वो डैमेज हो जाएगी और जिसकी वजह से आग भी लग सकती है जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है कि ये आपकी न्यूट्रल वायर है ये आपकी लाइव वायर है और मान लिया न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई तो जैसे ही आएंगी तो यहाँ पे शौक स्पार्क पैदा होता है स्पार्क पैदा होता है जिसकी वजह से आग भी लग सकती है और इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं तो ये दो एक्सीडेंटल केस हम इनको मान सकते हैं दो एक्सीडेंटल केस हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये हैपनिंग हो सकती है ये फॉल्ट आ सकते हैं जिसको हम ओवरलोडिंग बोलते, है बोलते हैं या शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं थैंक यू